गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 हरि ओम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार। आज यह तीसरा प्रयत्न है, दो बार ऐसा यह वहां से भगवान की जो कृपा है, संपर्क है, कट गए। देखें, आज का पंचांग, आज सोमवार, यहाँ सौर गणना में वृश्चिक मास दिनांक 23। आज वृश्चिक सोमवार, कार्तिकी सोमवार यहाँ बड़ा विशेष है और उसके ऊपर आज प्रदोष है शाम को, तो यहाँ के सभी मंदिरों में, विशेष शिव मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। सौर वृश्चिक सोमवार दिनांक 23, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी, सुबह कुछ समय है द्वादशी, बाद में त्रयोदशी है। आज का नक्षत्र भरणी नक्षत्र, परीघ योग और कौलव कर्ण। आज का दिन शुभमय मंगलमय रहे।
यहाँ मैं ईरोड में बैठा हूँ। देखिए पीछे में इतने बड़े नगर में इतने वृक्षों के साथ एक प्रदेश है। अच्छा है, अच्छा लक्षण है। वैसे यह कावेरी के किनारे में है। ईरोड बड़ा व्यापार स्थल है और बड़े सुजलाम सुफलाम प्रदेश है। चलिए आज के विषय में जाए, हम भोजन के विषय में चर्चा। तीन प्रकार की रुचियां हैं, सात्विकी, किस प्रकार के भोजन को प्रिय, उसके लिए प्रिय है, यह आज के श्लोक में है। राजसी, कैसा भोजन को उसके लिए प्रिय है। तामसी, कैसे भोजन को उसके लिए तामसी के लिए कैसा भोजन प्रिय है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहार भी तीन प्रकार के, ये तीनों गुणों वालों को, तीन प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके लिए उसके गुण के अनुरूप प्रिय आहार है, ऐसा कल कहा। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक व्यक्ति के लिए ऐसा आहार प्रिय है, कैसा, जो आयु का वर्धन करता है, जो सत्व का, अच्छे गुणों का वर्धन करता है, सत्व भले गुणों का वर्धन करता है, बल शारीरिक शारीरिक बल का वर्धन करता है, ऐसा भोजन सात्विक के लिए प्रिय है। आरोग्य, आरोग्य का वर्धन जिस आहार से होता है, वैसा आहार सात्विक गुणी के लिए प्रिय है। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जो आहार सुख देता है, इंद्रियों को सुख देता है और भोजन प्राप्ति के बाद पूर्ण शरीर को सुख देता है, ऐसा भोजन सात्विकी के लिए प्रिय है। प्रीति विवर्धना, जो संतुष्ट कराता है, प्रीति मन प्रीति, मन में तृप्ति जगाता है, ऐसा आहार सात्विकी के लिए प्रिय है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। आगे और बढ़ाते हैं, रस्याह, रसयुक्त आहार, यानी उस आहार में जल का प्रमाण अधिक होता है, रसयुक्त आहार। स्निग्ध, घी युक्त आहार, यह सात्विकी के लिए प्रिय है, घी युक्त आहार। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा, जो स्थिरता, बड़ा यानी वेदना, कष्ट, एक्साइटमेंट, उद्वेग आदि जिस आहार से उत्पन्न होता नहीं, शांत कराता है, स्थिर है, पाचन व्यवस्था को उसके अनुरूप जो आहार है, स्थिर हृदय, हृदय के लिए जो मृदु है, हृदय पर भारी जो है नहीं,
वह आहार सात्विकी के लिए प्रिय है। दीर्घ आयु यह अपनी प्रार्थना रही है और मनुष्य दीर्घ 100 वर्ष 120 वर्ष योग शास्त्र के अनुसार 120 वर्ष जग सकता है, तो उसमें प्रधान कोई भूमिका है तो आहार का है, अन्य नियमों का है। तो ऐसा आयु का वर्धन जिससे हो, निरोगी जीवन जिससे प्राप्त हो, ऐसा आहार यानी इसके लिए उस विषय में ज्ञान, उस विषय में अभ्यास, उस विषय में एक्सपेरिमेंटेशन और यह सब सात्विकी जो गुण वाले हैं उनको उनके वृत्ति है। एक्सपेरिमेंटेशन, ज्ञान प्राप्ति, उनकी बारीकियां समझ लेना, ऐसा नहीं कि बस सभी करते हैं इसलिए हम भी कर रहे। सात्विकी सहज रूप से ज्ञान के पिपासा है, पिपासु है, इसलिए आहार के विषय में भी जो आयु को विवर्धन वर्धन करता है, जो बल को वर्धन करता है, आरोग्य का वर्धन करता है, ऐसे आहार वह खोज निकालने के उसका सामर्थ्य रखता है। साधारणतः ब्राह्मणों के घर में सात्विक भोजन जिससे सत्व अच्छे गुण बढ़ते हैं, वैसा भोजन यह परंपरा से चली है। जब दरिद्री थी, आय कम था, उस समय भी उस पैसे में सात्विक भोजन, सरल सीधा, सरल भोजन, सादा भोजन, बड़े चटपटे जिसमें रुचियां हो, तीखे रुचियां हो, ऐसा भोजन साधारणतः सात्विकी गुण वाले उन्हें वे जिसे कह सकते हैं कि भाई दूर रहते हैं, एक हाथ बार चटपटा भोजन हो जाता है, साधारणतः होता नहीं। मध्यमतर जिसकी रुचियां हैं, बड़े तीखे रुचि है नहीं, साधा सीधा स्वस्थ शुद्ध निर्मल देव को अर्पित निर्मल भोजन, अच्छे प्रयत्नों से जो धन कमाया है उस कमाई से बना हुआ भोजन, तो सत्व का वृद्धन होता है ऐसे भोजन से, अच्छे गुणों का वर्धन होता है। तो इसका अर्थ भोजन से दुष्ट गुणों का भी वर्धन हो सकता है। जो अन्याय मार्ग से कमाया हुआ धन, अन्याय मार्ग से संचित किए हुए धान्य और उससे जब भोजन बनता है, भोजन वैसा बनता है और तो वह बुरे गुणों का भी वर्धन करा सकता है। अच्छे मन से पकाया हुआ भोजन, अच्छे स्वस्थ वातावरण में जो लिया जा रहा ऐसा भोजन सत्व गुणों का वर्धन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भीष्म शरशैया पर थे तो अच्छे धर्म के शब्द उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, धर्मोपदेश। तो द्रौपदी पूछती है तो आप तो इतने धार्मिक हैं, इतने धर्म के शब्द आप कह रहे, परंतु पहले ऐसे कभी मैंने आपसे सुना नहीं,
तो भीष्म कहते हैं मैं दुर्योधन का पका भोजन, दुर्योधन के हाथ का भोजन मैं पा रहा था, तो उसका प्रभाव मेरे मन पर हुआ। आज पुण्यात्मा अर्जुन से, उसके बाणों से मेरे शरीर के सब रक्त बाहर निकल गए और मैं स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया, पवित्र हो गया। तो मैं, मेरे अंदर जो सत्व है वह निखर रहा, बाहर निकल रहा, ऐसा अर्जुन भीष्म कहते हैं। तो बुरा भोजन का प्रभाव शरीर पर तो होता है, मन के गुणों पर भी होता है। जो होटलों में खाना खाते हैं, बहुतेक उनका स्वास्थ्य, शरीर, पेट, पाचन व्यवस्था बिगड़ता है। उसका केवल वहां कोई भोजन ठीक प्रकार बनता नहीं, ऐसा नहीं, जो बनाने वालों का मन है, जो वहां हमको खिलाने वालों का जो मन है, वे सब नौकर हैं। उनके मनस्थिति, उनका मन में जो दुख है, अपने वेतन में जो कमियां हैं, अपने कार्य के बारे में जो चिंताएं हैं, उसके कारण दुख, क्लेश, शोक भरे मन से जब भोजन बनता है, गुस्से के साथ, यजमान के ऊपर, मालिक के ऊपर गुस्सा है, अपने कार्य के प्रति, अपने ही जीवन के प्रति कटुता है, उसके साथ भोजन जब बनाते हैं और उस वह भोजन खिलाते हैं, तो वह तो अपने शरीर पर भी उसका प्रभाव होना है। इसलिए अपनी माँ अच्छे श्लोकों का पाठन करते हुए, कंठस्थ किए हुए श्लोकों को कहते हुए भोजन बनाती है, आनंद से बनाती है। मेरी माँ 50 वर्ष बस रसोई में उसने बिताया समय। सुबह उठते ही सुबह के घर के सभी के लिए भोजन, चाय कॉफी की व्यवस्था, फिर 10 बजे के अंदर सभी नौकरी में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, स्कूल में जाने वाले, सबके लिए भोजन 10 बजे के अंदर। उसके बाद शाम को जब वापस आते हैं तो कोई नाश्ता, दोपहर में सास ससुर घर में है, दोपहर में उनके लिए चाय कॉफी, और रात को फिर चाय नाश्ता हुआ कि तुरंत रात के भोजन की चिंता, फिर रसोई के घर में बर्तनों की व्यवस्था, किराना जो उसके लिए जो धन धान्य की आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था, बस पूरा समय उसने केवल रसोई में अपना जीवन बिताया। 50 वर्ष के ऊपर, जब से 18 साल की, यहाँ से दक्षिण से उत्तर में नागपुर में विवाह करके आई, बस पहले वधू के, पहले बहू बनकर 4 भाइयों के घर में, तब से उसने रसोई में ही जीवन बिताया। अपने छोटी ननद को नृत्य सिखाया रसोई में पकाते पकाते, भरतनाट्यम सिखाया उसे। सुबह सुबह मैं अपने शैया पर रहता, आधे नींद खुला रहता, सुबह 5 बजे श्लोक पठन करते हुए, और इतने श्लोक उसे कंठस्थ थे माँ को, तो वे श्लोक कहते हुए जब दूर से जब बोलती थी और खाना पकाती थी, तो खाने का सुगंध मन में एक सुख उत्पन्न कराता, वह तो है। और यह जो मधुर कंठ में जो भगवान के नाम, आई गिरी नंदिनी, नंदित वेदिनी, विश्व विनोदिनी, नंदन ते, ऐसे अनेक प्रकार के शिव जी के, दुर्गा के, देवी के, विष्णु के, गोविंद के श्लोक कहते हुए भोजन बनाती थी, और आनंद मन से, खिले हुए मन से भोजन बनाती थी। और मेरे ही समान, मेरी माँ के समान यहाँ हजारों लाखों माँ है प्रत्येक घर में। तो
यह निश्चित ही सत्व को बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस मनस्थिति से भोजन बनाया जाता है वह सत्व को बढ़ाएगा। बल आरोग्य बढ़ाने वाले भोजन, साधा सरल भोजन, उसमें पौष्टिक के विषय कार्बोहाइड्रेट हो, दाने हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, सब्जियां हो, पाले भाजी हो, एक बैलेंस्ड समत्व। बस कोई एक विषय प्रिय है तो बस वही खाया, मैं तो रोटी खाता हूँ बस चावल नहीं खाऊंगा, मैं तो आलू खाता हूँ गोभी खाता हूँ अन्य हरे सब्जी खाऊंगा नहीं, मुझे प्रिय नहीं, पाले भाजी मुझे प्रिय नहीं, दही दूध दूध मैं खाऊंगा नहीं, ऐसे भोजन का बंटवारा करके प्रिय प्रिय में कटुता के साथ मन में द्वेष के साथ वह भोजन शरीर पर अच्छा प्रभाव करेगा नहीं। आनंद से स्वीकारा भोजन, प्रसाद प्रसन्न मन से स्वीकारा भोजन, जो कुछ थाली पर परोसा है परोसा गया है वह अमृत है, भगवान की कृपा है, प्रसाद रूप से उसे स्वीकारा भोजन, यह निश्चित बल आरोग्य पर बहुत अच्छा प्रभाव करेगा, आरोग्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सुख प्रीति, आधा भोजन, अपना पेट भर, बस गला तक भर लिया, ठसा ठुस भोजन भर लिया, ऐसा भोजन हमें अस्वस्थ कराता है, अस्थिर कराता है। तो सुख का अनुभव प्राप्त हो ऐसी इच्छा यदि है तो आधा भोजन करें, जितना और बस और थोड़े से लेने की इच्छा हुई वहां बंद कर दे। एक आध दिन कोई त्योहार के दिन थोड़ा मस्त पूर्ण भोजन कर लिया ठीक है, छप्पन भोग कर लिया कृष्णाष्टमी के नाम से, परंतु साधारण दैनिक भोजन यह आधा पेट थोड़े खाली स्थान हवा और पानी के लिए छोड़ दे, यह निश्चित ही अपने सुख का वर्धन करेगा। संतुष्टि, प्रसाद, प्रसन्नता, माँ से स्नेह प्रेम है, बनाने वाला मेरे लिए मेरे भलाई के लिए बनाया है तो ऐसा विश्वास है, तो भोजन में कोई दोष देखे बिना, भोजन में कमी देखे बिना आनंद से यदि वह स्वीकार आ गया, ऐसा भोजन निश्चित ही अपने मन में प्रीति बढ़ाएगा। तो प्रीति बढ़ाने वाला भोजन सुख प्रीति विवर्धना, यह सात्विकी के लिए प्रिय है। सात्विकी गुण वाला ऐसा भोजन को चाहता है, ऐसे भोजन को उसके ओर जाता है, उसे स्वीकार करता है, और ऐसा भोजन स्वीकार करते 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 उसका मन सात्विकी बनता है। यह दो तरफा है, टू वे ट्रैफिक। यह भोजन सात्विकी मन को प्रिय बनाता है और सात्विकी मन इसी प्रकार के भोजन को चाहता है, इसी प्रकार के भोजन का भोजन उसके लिए प्रिय है। अल्पाहारी, अल्प मात्रा में यानी भरपूर भोजन, एकदम भर के भोजन ना करे, थोड़ा सा मिताहारी, मिताहारी यह सही शब्द है, बस जितनी आवश्यकता है उतने मात्र भोजन करे, और भोजन में जल और वायु पेट में उतना पूर्ण स्थान दे, सभी प्रकार के सब्जियां खाए, सभी प्रकार के पालक भाजियां खाए, सभी प्रकार के धान्य खाए,
कोई प्रकार किसी प्रकार को दूर न रखे, अनिष्टक बताकर, अप्रिय बताकर। तो ऐसा यदि भोजन है, निश्चित ही वह प्रीति वर्धन करेगा। रस्याहा, जलयुक्त भोजन। आप देखोगे केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में रसम, सांभार, कढ़ी, अंत में ताक, तक्रम, छाज, ऐसा रसयुक्त है। चावल के साथ सूखा रूखा भोजन, विशेष रूप से ब्राह्मणों के घर में सूखा भोजन वह कर नहीं सकता। मेरे तो गला उतरता ही नहीं सूखा भोजन। तो भोजन के समय पानी पीने की आदत वह है नहीं, बचपन से है नहीं। पानी तो बस केवल आरंभ में जो परिशेषण करते हैं, भोजन पका परोसा हुआ भोजन को, बस उसके लिए पानी है। अमृता अमृतोपि धानमसी, अमृतापि स्तरणमसी। वह जो एक बूंद पानी लेते हैं भोजन के प्रारंभ में और भोजन के अंत में, अमृत का पिधान, ढक्कन लगाते हैं, अमृतापि धानमसी, बस उसके लिए पानी की आवश्यकता है। और बहुत तीखा तो बनता नहीं, बहुत मसाला रहता नहीं भोजन में, तो पानी की वैसे आवश्यकता नहीं। तो भोजन में ही रस रहता है, बड़ा पानी का मात्रा, जल का मात्रा अधिक रहता है। सात्विकी रस्या रस्य भोजन, रसयुक्त भोजन उसके लिए प्रिय है। स्निग्धा, आजकल घी के विषय में डॉक्टर लोग कहते हैं घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, हार्ट अटैक होता है, ऐसा डराते हैं। सत्य हो सकता है, परंतु यदि देशी गाय हो, जिसके कंधे पर वह बड़ा जो क्या कहते हैं उसे, हम्प हम्प हो, ऐसे गाय, उसका दूध बछड़े को वंचित किए बिना, उस गाय का दूध, उससे निकला हुआ दही, और उस दही का मंथन करके जो माखन, और उस माखन का बना हुआ घी, ऐसा यदि घी बना है, वह शरीर को निश्चित ही आरोग्य प्रदान है, प्रदान करेगा। वह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा नहीं। आजकल बड़े स्तर पर, बड़े कारखानों में दूध से सीधा माखन निकाला जाता है, दूध का मंथन करके। वह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता होगा। और गाय पर इतने प्रकार के अत्याचार होते हैं, गाय को सुई से गर्भित किया जाता है, गर्भवत किया जाता है, सुई उसको दिलाकर दूध की उत्पत्ति बढ़ाया जाता है। उसके जो चारा है, उस चारा में चर्बी और मांस के, मछली के, सूखे मछली, इस प्रकार प्रोटीन के नाम से यह सब मिलाया जाता है। घास में चरने के, उसका जो सहज प्राकृतिक स्वभाव है, उसमें से गाय वंचित है, दिन भर खड़ी रहती है। ऐसे गाय पर जो अत्याचार होता है दूध के नाम से, उस दूध से निकला हुआ माखन और उस माखन की घी, वह निश्चित ही हमें शरीर में कई प्रकार के रोगों को उत्पत्ति करेगी। परंतु घर में या अपने आसपास जो ग्वाला है, गाय को प्रेम प्यार से बढ़ाता, वर्धन करता है, खिलाता है, और देसी गाय है, और उसका जब घी होती है, तो मैं तो कहता हूँ निश्चित, मैं निश्चित वह शरीर पर कोई बुरा प्रभाव करेगा नहीं। मैं तो भरपूर घी खाता हूँ, कोई मुझे मेरे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव
हो सकता है हृदय हार्ट अटैक हो जाए, परंतु ऐसे रास्ते के तले हुए भोजन और रिफाइंड ऑयल और डालडा, कई कई फैक्ट्रियों में ये तो मैं खाता ही नहीं, तो निश्चित उसका दुष्प्रभाव होगा नहीं। शुद्ध देसी घी, देसी गाय के दूध के निकली घी, यह सात्विक है, सात्विक है, उसमें कोई संदेह नहीं। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया, हृदय को जो आजकल रिफ्लक्स नाम से एक दोष है, कई जो नगरों में रहते हैं, शरीर जब भोजन प्राप्ति हो जाता है, भोजन कर लेते हैं, तो उनको कुंठन होता है, श्वास लेने में कष्ट होता है, ऐसा लगता है छाती पर कोई बड़ा भार रख दिया, पसीना छूटता है, ऐसा लगता है भोजन ऊपर की ओर फिर से वापस आ रहा, बाहर आ रहा, गर्मी होती है अंदर, जलता है अन्न नली, यानी उसे अस्थिर बनाता, हृदय पर भार लाता ऐसा भोजन। तो स्वास्थ्य सात्विक भोजन ऐसे प्रभाव करेगा नहीं। मिताहारी, उपवास का एक हेतु यह है, एकदम महीने में एक बार, पक्ष में एक बार, सप्ताह में एक बार पूर्ण रूप से भोजन को छोड़ दिया, भूखा डाला, उस उपवास के कारण हम अन्य दिन भी मिताहारी बन जाए, अल्प मात्रा में भोजन करें, इस हेतु के लिए हम उपवास करते हैं। श्री राम सुखदास महाराज कहते हैं गोरखपुर प्रेस के, हमारे 32 दांत हैं, 32 दांत, तो 32 दांत से चबाना चाहिए, एक ग्रास ऐसा अपने मुंह में लिया, एक ग्रास भोजन, तो उसे 32 32 दांतों से उसे कुचलना चाहिए, दबाना चाहिए, चबाना चाहिए, फिर उसे अंदर लेना चाहिए। तो वे कहते हैं ह रे रा म ह रे रा म रा म रा म ह रे 16 हो गए, ह रे कृष्ण 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 ह रे 32 हो गए। तो एक ग्रास भोजन मुंह में लेकर ह एक बार चबाया, रे एक बार चबाया, रा एक बार चबाया, ऐसा 32 बार, 32 बार, और उसके बाद उसे निगलना, उसके बाद ही हाथ को थाली पर रखना, आराम से करना भोजन। समय जीवन अपना भोजन प्रधान है, भोजन जीवन का हेतु नहीं, परंतु भोजन ब्रह्म है, हमारे अंदर ऊर्जा देती है, देता है, उसे हर्ष से उसका स्वागत हो, समय निकाल कर भोजन करे, आधा घंटा लगाए, जल्दबाजी में गाय भैंस जैसे कुत्ता जैसे चलते चलते भोजन ना करे, गाड़ी चलाते चलाते कुछ ना खाए, दो भोजन के बीच में कुछ ना खाए, बस दिन में एक बार या दो बार भोजन करे, मध्य में पानी पी लिया ठीक है, एक हाथ चाय पी लिया ठीक है, परंतु दो बार भोजन करें केवल, रात का भोजन अल्प मात्रा में करें, ऐसे भोजन के विषय में सतर्क और हम दक्ष रहे, तो निश्चित भोजन अपना शरीर को स्वस्थ रखेगा, अपने आयु का वर्धन करेगा, और अपने मन को सात्विक बनाएगा, सत्व मन के अच्छे गुणों को वर्धन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम जीवन यापन के लिए अच्छे दिशा में अपना जीवन चले, अपना शरीर अच्छे कार्यों के लिए सहयोगी बने, उपयोगी बने, इस अपने जीवन लक्ष्य के लिए यथार्थ करने वाला भोजन, ऐसा भोजन हमें हो, वह सात्विक है।
ऐसा सत्व भोजन हम उसका आदत लगा दें अपने जीभा को, बस केवल आदत का विषय है। ऐसे सात्विक भोजन का आदत लगा दें, समय निकाल कर भोजन पकाए, पका कर खाए। केवल स्त्री ने पकाना चाहिए ऐसा नहीं, पुरुष भी बनाना चाहिए। अकेला रहता है, अपना भोजन उसने बनाकर खाना चाहिए। कोई ऐर गैर रास्ते पर है, उसके स्वस्थ अस्वस्थ, स्वच्छ अस्वच्छ आदतों से उसने बनाया हुआ भोजन, गंदे नाले के पास खड़े रहकर यह भेलपुरी खाते हैं। सब सब भेलपुरी वाले नाले के ऊपर अपना ठेला लगा के रखे। तो यह आज नागरी जीवन में अपने शारीरिक, इतने हॉस्पिटल बढ़ गए देखो अपने नगरों में। यह विषय हम आगे बढ़ाएंगे कल राजसी भोजन की चर्चा में। आज के लिए हम यहाँ पर्याप्त यहाँ समाप्त करते हैं। कल उसकी कृपा से इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक सभी को नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार।